Hello friends, we all know that a new CBI team has been appointed in Sushant Singh Rajput case. Why a new CBI team has been appointed in Sushant Singh Rajput case and what about the old team? All these details are explained in this video. We all know that Pradeep Bhandari 2 days back had told us that a new CBI team has been appointed in Sushant Singh Rajput case. Thus, again, Pradeep Bhandari is explaining many things related to this. So let us see what Pradeep Bhandari actually said. आप सभी इस वक्त जुड़ रहे हैं और इस वक्त मैं लाइव इसीलिए हूं क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की इन्वेस्टिगेशन में मेरे एक काफी क्रेडिबल सोर्स ने मेरे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है और मैं आपको कहना चाहता हूं कि दिस इज अ वेरी वेरी क्रेडिबल सोर्स एंड दिस इज वाई आई एम शेयरिंग अ सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन विद ऑल ऑफ यू. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और ये सोर्स बेस्ड है और ये सोर्स ने अभी तक मुझे जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है काफ़ी क्रेडिबल रही है और इसीलिए मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ. तो ध्यान से सुनिएगा, मेरे सोर्स के हिसाब से, क्रेडिबल सोर्स के हिसाब से सुशांत सिंह राजपूत की इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या लेटेस्ट अपडेट है. पहला अपडेट सुशांत सिंह राजपूत की इन्वेस्टिगेशन, इसको हम लोग इस तरीके से पेशिंग करने वाले हैं कि पहले कुछ मिनट मैं आपको जो मेरे सोर्स ने क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन बताई है वो आपके साथ शेयर करूंगा. उसके बाद में मैं आपके सवालों को लेने की कोशिश करूंगा. तो पहला सवाल ये है, जो पहला सवाल नहीं, पहली सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सुशांत सिंह राजपूत की इन्वेस्टिगेशन में मेरे सोर्स के हिसाब से, जो काफ़ी क्रेडिबल सोर्स है जिसने मुझे अभी तक सभी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन दी है, कि सीबीआई की एक और टीम बन चुकी है और वो कुछ ही दिनों के अंदर सीबीआई की एक और टीम जो है वो सुशांत सिंह राजपूत की इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाएगी. मैं वापस से रिपीट करना चाहूँगा, सीबीआई की एक और टीम मेरे क्रेडिबल सोर्स के हिसाब से बन चुकी है और ये इसी महीने में, ये टीम जो है इसी महीने के अंदर इस इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाएगी. तो फर्स्ट बिग डेवलपमेंट एज पर माई सोर्स इज दैट अ न्यू टीम हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द सीबीआई इन सुशांत सिंह राजपूत इन्वेस्टिगेशन. सवाल दूसरा आपके दिमाग में ये उठेगा एकदम से कि क्या पुरानी टीम निलंबित हो चुकी है, वेदर द ओल्ड टीम हैज़ बीन डिसबैंडेड. नो, दिस न्यू टीम हैज़ सम मेम्बर्स फ्रॉम द ओल्ड टीम एज पर माई सोर्स एंड फ्यू न्यू मेम्बर्स एज पर माई सोर्स. So this team, this new team which is being constructed, this new team is constructed in addition to the old team. Please note this down, that the old team has not been disbanded. The new team has been constructed in addition to the old team, which is very, very important. This new team, as per my source, a very credible source, which has shared with me all the important updates, and that is why till now I have brought you all the credible information. As of now, what I gather, जो मुझे पता चल रहा है कि ये न्यू टीम के अंदर कुछ ऑफिसर्स पुरानी टीम के होंगे और कुछ ऑफिसर्स, कुछ लोग जो हैं नए जुड़ने वाले हैं. इसके अंदर फॉरेंसिक के भी लोग जो हैं वो नए टीम के अंदर जो नए जुड़ने वाले हैं उसमें से कुछ लोग फॉरेंसिक से रिलेटेड होंगे एज पर माई सोर्स. तो आपको मैंने तीन नई चीज़ें बताई है, ध्यान से नोट करिएगा. एज पर माई वेरी वेरी क्रेडिबल सोर्स, पहली इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत की इन्वेस्टिगेशन के अंदर आने वाले दिनों एक नई टीम बन चुकी है, जो नई टीम आने वाले दिनों में, मतलब जनवरी के महीने के अंदर ही कार्यरत हो जाएगी. इट विल बिगिन इन्वेस्टिगेशन इन द मंथ ऑफ जनवरी ऑल्सो. दिस डज नॉट मीन दैट द ओल्ड टीम, दिस डज नॉट मीन दैट द ओल्ड टीम हैज़ बीन डिसबैंडेड. द ओल्ड टीम हैज़ नॉट बीन डिसबैंडेड एज पर माई सोर्स, विद अ वेरी वेरी क्रेडिबल सोर्स. एंड दिस इज अ सोर्स यू कैन से विच इज़ वेरी क्रेडिबल एंड इन्वॉल्व विद द एंटायर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस. सो दिस क्रेडिबल सोर्स हैज़ टोल्ड मी दैट दिस न्यू टीम इज बीन फॉर्म्ड विच विल बी इन एक्शन इन द कमिंग फ्यू डेज इन एडिशन टू द ओल्ड टीम. So the old team, I repeat, as per my source, has not been disbanded. Please note this very, very carefully, that the old team has not been disbanded. ये बहुत important चीज़ है.
तो मैं एज पर माई सोच मैं आपके साथ सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, सोर्स बेस्ड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। और मैं कभी बहुत रेयरली सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ, जब मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट होता हूँ मेरी क्रेडिबिलिटी ऑफ द सोर्स के साथ में तभी मैं शेयर करता हूँ। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा ट्वीट्स और बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करता, पर कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है उसको शेयर करता हूँ। आपको याद होगा कि जब CBI से सवाल पूछने की बात आई थी तो द फोर मोस्ट पीपल हु सेड दैट वी नीड टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द CBI एंड द CBI ने सुशांत सिंह राजपूत इन्वेस्टिगेशन के अंदर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के लेटर को रिस्पॉन्स किया था। तो एक कलेक्टिव एफर्ट है दोस्तों, हम सब मिलकर सुशांत की राजपूत की इन्वेस्टिगेशन के अंदर न्याय चाहते हैं, सुशांत के को की मौत के पीछे के लोगों को हम लोग जेल भेजना चाहते हैं। तो अभी मैं वापस से रिपीट करूंगा, कई मेरे व्यूअर्स और कई सुशांत के फैंस जो हैं इस वक्त जुड़ रहे हैं, तीन चीज़ें। सुशांत सिंह राजपूत इन्वेस्टिगेशन के अंदर CBI ने एक नई टीम को फॉर्म किया है एज पर माई सोर्स। ये जो नई टीम है, ये नई टीम जनवरी के महीने में इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाएगी। ये टीम जो है ये पुरानी टीम को मदद करेगी। ये टीम का मतलब ये नहीं है कि पुरानी टीम डिसबैंड हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, प्लीज़ नोट दिस वेरी केयरफुली। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस नई टीम के अंदर कुछ ऑफिसर्स पुरानी टीम के भी हैं और कुछ नए भी जुड़ रहे हैं। नए लोगों में से जुड़ने वाले कुछ फॉरेंसिक एक्सपर्ट हो सकते हैं, फॉरेंसिक से रिलेटेड लोग हो सकते हैं। सो इट इज़ अ मिक्स, द न्यू टीम इज़ अ मिक्स ऑफ old as well as new people which are joining it. This will aid the efforts of the teams which have already been working in this case. All of this is absolutely happening under the top CBI team which has been working on the case. So don't think that the case is getting delayed. ye mat samjhiye ki case delay ho raha hai, ye sirf aage le jane ke liye jaldi se isme charge sheet ko dakhil karne ke liye ek additional team ko mere source ke hisab se add kiya hai। ये जो नई टीम होगी जनवरी के महीने में ही जो क्राइम सीन है दोस्तों, जो क्राइम सीन है उस वहाँ क्राइम सीन या जो क्राइम लोकेशन है, जो सिटी ऑफ क्राइम लोकेशन है, मेरे सोर्स के हिसाब से उस सिटी ऑफ क्राइम लोकेशन पे जनवरी के महीने में जा सकती है। ये सब आप मीडिया में नहीं देखेंगे या कम बिल्कुल रैप्स में नहीं देखेंगे, बिकॉज द CBI वॉन्ट्स this all a lot of people as per my source they don't want a big news to come out ki where they are heading, what they are heading, and my source has also not revealed a lot to me and I'm also not able to reveal the exact location where this team will go। to isliye aap investigation ki gravity ko samajhte hue mujhe maaf kariyega ki isse zyada main aapko kis team kidhar kidhar jayegi wo nahi share kar sakta hu। अब एक और चीज़ मेरे सोर्स के हिसाब से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, पर इस चीज़ की पुष्टि नहीं हुई है। प्लीज़ ध्यान करिए, नोट करिएगा, मैं वापस से रिपीट करना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ की पुष्टि नहीं हुई है, पर ये हो सकता है कि लोगों को वापस से समन इशू किए जाएं। प्लीज़ नोट दिस वेरी केयरफुली, ये हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है मेरे सोर्स के हिसाब से, पर ये हो सकता है कि जो नई जो लोग हैं को वापस से समन इशू किया जा सके। आई विल लाइक टू रिपीट इट इन इंग्लिश फॉर द बेनिफिट ऑफ द व्यूअर्स हु डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी एंड हु आर जॉइनिंग इट फ्रॉम अब्रॉड फ्रॉम अदर कंट्रीज। प्लीज नोट दिस वेरी वेरी केयरफुली फॉर द बेनिफिट ऑफ द व्यूअर्स। आई एम रिपीटिंग दिस दैट देर इज अ पॉसिबिलिटी, नॉट श्योरिटी, आई रिपीट, देर इज अ पॉसिबिलिटी बट नॉट श्योरिटी दैट द समन्स माइट बी इशूड टू फ्यू पीपल to whom the summons have been issued in the past, or new people the summons might be issued. This is a very important development. मैं वापस से कहना चाहता हूँ, मेरे सोर्स के हिसाब से ऐसा हो सकता है आने वाले एक से दो महीने के अंदर summons issue किए जा सके उन लोगों को जिनको ऑलरेडी समन्स इशू किए जा चुके हैं, या नए लोगों को। ये मेरे सोर्स ने, जो क्रेडिबल सोर्स है, उसने मुझे रिवील किया है।